एशिया कप 2023 के पासवे मैच में भारत के शानदार जीत के साथ ही फैंस को मिली तीन बड़ी खुशखबरियां। भारत बनाम नेपाल मैच के क्विक समरी के साथ ही बताएंगे क्या है वो तीन बड़ी खुशखबरियां। जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आप भी भारतीय टीम के इस जीत से खुश हैं, तो वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दीजिए। दोस्तों, कल भारत बनाम नेपाल के बीच एशिया कप के पांचवा मैच खेला गया और ये मैच बेहद ही रोमांचक रहा। हालांकि बीच में बारिश ने खलल डालने की कोशिश की, जिसके वजह से मैच के सेकेंड इनिंग्स को घटाकर 23 ओवर का करना पड़ा। मैच में टॉस जीतकर रोहित शर्मा बुमराह के जगह शमी के रूप में एक बदलाव के साथ गेंदबाजी के लिए मैदान में उतरे। बल्लेबाजी करते हुए नेपाल की ओर से शानदार शुरुआत हुआ। वही दूसरी ओर टीम इंडिया की फील्डिंग काफी साधारण रही, जहां शुरुआती ओवर में ही भारतीय फील्डर्स ने तीन तीन कैच छोड़ दिए, जिसका नेपाली बल्लेबाज भरपूर फायदा उठाया। हालांकि फिर शार्दुल ठाकुर और जादेजा ने भारतीय टीम को मैच में वापसी कराया। पहले इनिंग्स में बल्लेबाजी करते हुए नेपाल की टीम ने 48.2 ओवर में 230 रन बनाकर ऑल आउट हो गए। नेपाल की ओर से आशिफ शेख ने सबसे ज्यादा 98 रन बनाए। वही टीम इंडिया के लिए जादेजा और मोहम्मद सिराज ने तीन तीन विकेट चट गए। सेकेंड इनिंग्स के दूसरे ही ओवर में बारिश आ गई। काफी देर बारिश के बाद टीम इंडिया को जीत के लिए 23 ओवर में 145 रनों का लक्ष्य निर्धारित कर दिया गया, जिसे भारतीय टीम के ओपनर जोड़ी रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने एक भी विकेट गवाए बिना आसानी से पूरा कर दिया। जहां रोहित शर्मा शानदार पारी खेलते हुए 59 गेंदों में 74 रनों की नाबाद पारी खेली, वही शुभमन गिल ने 62 गेंद खेलकर 67 रन बनाए, जिसके बदौलत टीम इंडिया 10 विकेट के साथ भारी जीत हासिल की। इस जीत के साथ ही भारतीय क्रिकेट फैन के लिए तीन बड़ी खुशखबरियां भी सामने आई। पहला तो टीम इंडिया इस जीत के साथ ही सुपर फोर के लिए क्वालिफाई कर गई और आने वाले 10 तारीख को फिर से एक बार पाकिस्तान के खिलाफ मैच खेलेंगे। दूसरे खुशखबरी, जो कि लंबे समय से आउट ऑफ फॉर्म चल रहे रोहित शर्मा का फिर से फॉर्म में आना, जो कि भारतीय टीम के लिए बहुत अच्छा संकेत है। तीसरी खुशखबरी है, भारतीय टीम के सबसे चाहते गेंदबाज जसप्रीत बुमराह पिता बन चुका है। उनके घर एक लड़के का जन्म हुआ है। ये थी क्रिकेट से जुड़ा वो तीन बड़ी खुशखबरी। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी, कॉमेंट में अपनी राय जरूर दें।